Hello everyone, hello dear students. So it's a great news for you, for all the students of the commerce faculty, कि आप लोगों की डेट शीट जो है वो आ चुकी है एंड आपका टाइम टेबल जो है वो आ चुका है. सो योर एग्जामिनेशन विल बी ऑन द 7th of March 2019. सो आर यू एक्साइटेड? आई थिंक एक्साइटेड. सो आप अपना टाइम टेबल जो है उसको अभी देख लें. और टाइम टेबल डेट शीट जो है, मैं सभी को यहाँ से बेस्ट विशेज देना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ और भी अच्छे से आप प्रिपेयर करें और खूब सारे मार्क्स आप इस एग्ज़ामिनेशन में लाएं. आपका ये लास्ट एग्ज़ामिनेशन है एज ए स्कूल लाइफ और इसके बाद आपकी कॉलेज लाइफ जो है वो स्टार्ट होने वाली है. एंड आर यू एक्साइटेड? सो आई थिंक एक्साइटेड. तो आप एक्साइटेड हैं इसको लेके, तो आप अच्छे कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिले, खूब आपके मार्क्स आएँ. मैं आपको यहाँ डेट शीट शो करता हूँ कि क्या डेट शीट है आपकी. सो इट्स योर डेट शीट, ये आपका डेट शीट है. टाइमिंग है आपका 8:30 to 11:45. ओके, एंड दिस इज योर डेट शीट. तो आपके एग्जामिनेशन है स्टार्ट थर्सडे से, 7th से पहला आपका एग्जामिनेशन है इंग्लिश का और देन फिर 8th का आपका गैप है. इसमें कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम है जिनके पास कंप्यूटर्स है. फिर 9th को आपका सैटरडे को हिंदी का एग्जामिनेशन है. ओके, यहाँ बीच में 8th को कंप्यूटर्स का एग्ज़ाम है. 11th को मंडे को आपका अकाउंट्स, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट अकाउंट. ओके, ईजी भी है, टफ भी होता है, वट एवर. न्यूमेरिकल पोर्शन है, जिनको आ गया समझ उनके लिए बड़ा ईजी है. तो ये रहेगा आपका 11th को अकाउंट्स का. 13th को आपका रहेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायिक संगठन. और 19th को आपका है इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन. ओके, मैथमेटिक्स जिनके पास है उनका 23rd को मैथमेटिक्स है और टाइपिंग जिनके पास है उनके पास 23rd को आपका हिंदी टाइपिंग है और 26th को इंग्लिश टाइपिंग है. तो ये आपका सारा शेड्यूल है एग्जामिनेशन का और मैं आप लोगों को खूब सारी विशेज देना चाहूँगा और बताना चाहूँगा एक दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कि आप लोग प्रिपरेशन जो हैं उसको अगर आप अभी से भी अगर आप तरीके से करना लग जाएं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. और कुछ मैं वीडियोस अपलोड करूँगा जिनमें आप लोगों को कुछ टिप्स रहेंगे, कॉमन टिप्स हैं, सभी एग्जामिनेशन में काम आते हैं. और बोर्ड एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर करना है, बोर्ड एग्ज़ाम को कैसे देना है, उनके टिप्स रहेंगे. और प्रिपेयर कैसे करना है, किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के 4 मेथड्स होते हैं, उन 4 मेथड्स को वहाँ हम डिस्कस करेंगे. सो कीप वॉचिंग द चैनल, कीप वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. ऑल द वेरी बेस्ट.